दोस्तों नमस्कार, आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नष्ट होने की सूचनाएं आपको व्हाट्सएप पर मिल रही होंगी और कहा जा रहा है कि इन कक्षाओं में अब जनरल प्रमोशन होगा, लेकिन हम आपको बताएंगे इस खबर की पूरी सच्चाई। बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोरोना की वजह से प्रदेश में 1वीं से 9वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। अब तक एमपी बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूलों के परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल बंद हैं, इस वजह से कापी जांचने और रिजल्ट बनाने का काम भी नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति कब तक रहेगी यह भी स्पष्ट नहीं है। इस कारण सरकार ने इन छात्रों को जनरल प्रमोशन देने का फैसला लिया है। छात्रों को साल भर के प्रदर्शन के आधार पर प्रमोशन दे दिया जाएगा। खास बात यह है कि 10वीं के छात्रों को भी सरकार जनरल प्रमोशन देने पर विचार कर रही है, लेकिन हायर सेकेंडरी में ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि 12वीं के अंक के आधार पर ही कॉलेजों में दाखिला दिया जाता है। गौरतलब है कि सरकार स्कूलों ने 9वीं और 11वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कुछ CBSE स्कूल भी 1वीं से 8वीं तक के छात्रों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर जनरल प्रमोशन दे सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कोरोना के मद्देनजर 1वीं से 9वीं और 11वीं के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। 10वीं के लिए विचार चल रहा है, विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखकर 10वीं पर फैसला लेंगे। वहीं दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षा मंडल के पेपर कैंसिल होने की अफवाह व्हाट्सएप पर वायरल हो रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर 21 दिनों के लॉकडाउन के चलते माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आगामी आदेश के लिए स्थगित की गई हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व व्हाट्सएप पर गलत जानकारी वायरल कर स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं। शुक्रवार को एक चैनल में चलने वाले समाचार की लाइन को एडिट कर वायरल की है, जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव अनिल सुचारी ने स्टूडेंट से कहा है कि वह गुमराह ना हो, अगला आदेश मंडल की वेबसाइट पर अपलोड कर सभी केंद्राध्यक्षों को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स घर पर रहकर बचे हुए पेपर की स्टडी जारी रखें। मंडल द्वारा अभी तक बोर्ड परीक्षाएं निरस्त नहीं की गई हैं। मंडल के सभी आदेश मंडल की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। जानकारी के अनुसार पहले 31 मार्च तक लॉकडाउन होने के कारण मंडल ने आदेश जारी कर 1 अप्रैल के बाद शेष पेपर आयोजित कराने की बात कही थी। उसके बाद लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल तक बढ़ जाने के कारण मंडल ने भी स्थगित परीक्षाओं की तारीख आगामी आदेश तक बढ़ा दी है। इसके बाद अभी मंडल द्वारा कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। अभी 2 दिन पूर्व एक चैनल में गलती से स्थगित के स्थान पर निरस्त की लाइन चला दी गई थी। अब गुरुवार व शुक्रवार को व्हाट्सएप पर एक अन्य चैनल में समाचार की फोटो खींचकर उसे एडिट कर वायरल किया गया है। इसकी शिकायत पुलिस के साइबर सेल से देने पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा अभी तक 10वीं और 12वीं की जो शेष परीक्षाएं हैं उनको निरस्त नहीं किया गया है। 14 अप्रैल के बाद स्थिति को देखते हुए आगामी निर्णय लिए जाएंगे और जो भी जानकारी होगी वह माध्यमिक शिक्षा मंडल के वेबसाइट पर अपलोड होगी, उसी के आधार पर आप निर्णय लें। और जैसा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव ने कहा है कि विद्यार्थी घर बैठकर शेष परीक्षाओं की तैयारी करें, बिल्कुल भी गुमराह ना हो, परीक्षाएँ होंगी और अगर किसी कारणवश रद्द होती हैं तो उसकी सूचना भी आपको वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी खबरों से दूर रहें और इस तरह की कोई जानकारी ना तो फॉरवर्ड करें और ना ही उस पर विश्वास करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।